पैसा छोड़ दी। इतने में वहां के लोग तो आश्चर्य में पड़े गए और उसको पूछा, उसने मान भी लिया मैंने ऐसी गलती की है। कुछ लोगों ने प्रश्न की, बोले तुम ये बताओ जब से तुमने शादी की तब से क्यों बीमारी में पड़ी? अभी तुम्हारी पत्नी जिंदगी भर के लिए विधवा नहीं बन गई ना, उसको ये विधवा क्यों बनना पड़ा? देखो क्या कहती है, बोले जानते हो इसकी पत्नी कौन है? बोले ये कौन है? बोले जिसने ये जहर मिला करके पकौड़े में खिलाया था, यही है। इसलिए अभी जिंदगी भर उसको विधवा भोगना पड़ी। देखो वहां के लोग सुन करके आश्चर्य हो गए, ये तुम सही घटना है। हाँ, ये चीज को ध्यान रखो आप लोग। अगर हम किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं, कभी किसी की बुराई भी मत करो। कोई जरूरत नहीं, भगवान जो दिए उसी में प्रसन्न होकर के रहो। ब्याज समेत हमें भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, जीवन में जो कुछ आता है अपना कर्म का फल मान करके हंसते 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 उसको भोग लो। और क्या करो, भगवान की भक्ति करते रहो। एक बार हाथ उठाओ, बोले हरे कृष्ण, कोई बोल दिया कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो जो जितने जोर से ठाकुर का नाम लेगा ना, अगर हमारे जान अनजान में कोई पाप हो गई, समझो ये सारे पाप हमारी खत्म हो जाएगी। और एक बार जोर कर बोलो, जो जितने जोर से बोलेगा उसका उतना पाप खत्म होगा। जोर से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। देखो अभी एकदम मन लगा कर सुनो, एक दो अच्छी अच्छी मैं बात बताऊंगा। अभी कभी कभी जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़ी मोड़ी कोई दुख कष्ट आ जाए ना, कभी कभी हम ये सोचते हैं, हम दिन भर ठाकुर को पूजा करते हैं, नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, पर जीवन में ये दुख कष्ट क्यों आता है? कभी कभी हम बड़े दुविधा में पड़ जाते हैं। और ये काम देखना, जैसे भजन कर रहे हो, अगर थोड़ी मोड़ी कोई कष्ट आ जाए ना, भले ही कोई चीज हम नहीं छोड़े, पहले जो माला पहले छोड़ दे, खाना नहीं छोड़ेंगे, पहनना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, माला ही छोड़ देंगे। बोले हम इतने भगवान की भजन भक्ति क्या ठाकुर हमारे साथ में ऐसी किया है? ठाकुर हमारे साथ में ऐसी किया? बोले नहीं, भले ही ये दुनिया छूट जाए लेकिन याद रखो ये माला कभी नहीं छूटनी चाहिए। उसको खिली उड़ाया करता था। बोले क्या दिन भर माला लेकर के हरे कृष्ण करते रहते हो, इसमें क्या रखा हुआ? दिन भर जब देखो गीता रामायण लेकर बैठा रहता हो, भगवान के नाम बेकार है, सब झूठ मूठ चीज, छोड़े सब चीज, ये सब बेकार चीज है। लेकिन उसको पता है भक्ति में कितने मस्ती कितने आनंद है। एक दिन ये दोनों भाई जा रहे थे, जाते जाते जो प्रभु को मानता नहीं था उसको एक सोने की मोहर मिल गई। उसने कहा देखा मैंने भगवान की भजन भजन कुछ नहीं करता हूँ, एक सोने की मेरे को मोहर मिल गई। उसने देखा भैया बात तो सही है, ये बात तो सही बात है, लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, जो भगवान की भक्ति नहीं करता था हैं, उसको जो करता था भक्ति उसको प्यार में एक लोहे की सीख गड़ी गई, जो नहीं करता था सोने की मोहर मिली, और जो करता था उसको प्यार में लोहे की एक सीख गड़ी गई और खून बहने लग गया। बोले देख लिया तू इतने भजन करते हो, तेरे को मिला क्या? तेरे प्यार में सीख गड़ गया, खून बह रहा है, और मैं भक्ति करता नहीं, मेरे को क्या मिला? सोने की मोहर मिल गया। इसलिए ये भक्ति भक्ति सब बेकार है। जब उसने इतने बोलना शुरू की वो तो एकदम दुखी दुखी हो गया। बोले ये बात सही है। इतने में दुखी होकर के ठाकुर जी को पुकारा, बोले ठाकुर जी आपको इतने भजन पूजा करता हूँ, मेरे साथ में आप ऐसे करते रहते हो। इतने में आकाश वाणी हुई, बोले बेटा कोई चिंता मत करो, ये मत समझो भक्ति करने वालों को ही कष्ट मिलता, नहीं करने वालों को सुख मिलता है। देखो तुम्हारी दोनों का पूर्व जन्म की कथा, इसको जो एक सोने की मोहर मिली ना, ये पूर्व जन्म में इतने पुण्य किया था, आज का दिन उसको राज दरबार में
सिंहासन मिलने वाला था, उसको आज राजा बनने वाला था, लेकिन वो मेरे और मेरे भक्तों को निंदा करता है। करते करते उसका सारे पुण्य हमने खत्म कर दी और एक सोने की मोहर देकर उसको छुटकारा दिला दिया। बोले एक सोने का मोहर ले लो, तुम्हारे जीवन है सुना, तुम पूर्व जन्म में एक मर्डर किया था, आज का दिन राज दरबार में तेरे गले में फांसी झूलने का था, मरने वाला तू था, लेकिन तू मेरा भजन करता, नाम लेता, इसलिए तेरे सारे पाप को मैंने खत्म कर दिए और तेरे प्यार में एक सीख गड़ा करके मैंने तेरे प्यार में तेरे को मैंने छोड़ दिया। ये मत समझो भक्ति करने वालों को दुख और नहीं करने वालों को सुख मिलता, कभी ऐसे मत समझो, ठीक है ना। अगर भजन करते हो, अगर कभी थोड़ी बड़ी दुख आ गया, ये समझना हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, हमारे जीवन में बहुत बड़ी कोई अनहोनी होने का था और ठाकुर जी हमें थोड़ी सी दुख देकर के हमें छोड़ दिया। हाँ देखो, और एक चीज समझो, हम बोलते हैं भक्ति करते हैं, अभी हमको कोई फल नहीं मिला है, अभी तो कोई हम दिन रात नाम पूजा सेवा कर रहा है। देखो उसके लिए एक उदाहरण सुना, जैसे गेहूं की खेती, हम लोग जिंदगी में कभी गेहूं की खेती की है? कौन कौन की है गेहूं की खेती? अब देखना, आज गांव में एक ड्रम रखते हैं और ड्रम का नीचे एक छोटा सा ये होता है, छेद होता है, जैसे गेहूं वो ड्रम को अंदर में डाल देते हैं। जैसे समझो इसी साल गेहूं की खेती की, लेकिन वो गेहूं बढ़िया नहीं हुआ, उसका दाना छोटा 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 दाना हुई, उसको भी ड्रम में डाल दिए। दूसरे साल जब गेहूं की खेती हुई, वो बहुत बढ़िया हुई गेहूं, बड़ा बड़ा दाना हुआ, उसको भी ऊपर में डाल दो। जब नीचे से गेहूं निकालोगे, बताओ पहले कौन सा गेहूं निकलेगा? कौन कौन बोलेगा हाथ उठाओ, सुन रहे कि नहीं, इधर उधर देख रहे हो? हाँ बताओ, पहले कौन सा गेहूं निकलेगा? कौन सा? छोटा वाला ना बड़ा वाला? छोटा वाला, क्योंकि तुमने पहले छोटा वाला डाले हो, लेकिन बाद में बड़ा डाले हो निकलेगा, लेकिन वो छोटा जब खत्म हो जाएगा फिर बड़े, बाद में फिर बड़ा निकलेगा। हाँ ये चीज को समझो, दिमाग में बैठा लो। जैसे अभी हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भजन करते हैं, ठाकुर का नाम लेते हो, इसका तो फल तुम्हें मिलेगा ही, इसका फल तुम्हें कहीं नहीं जाएगी। इसलिए मीरा कहती है ना, दीन दीन बड़त सभायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। इसलिए भगवान की जो भक्ति कर रहे हो ना, ये कभी बर्बाद नहीं जाएगा। कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महत भया, हे अर्जुन अगर मेरे लिए कोई इतना करता है ना, उसके लिए मैं इतना करता हूँ। द्रौपदी ने क्या की थी? भगवान की अंगुल में थोड़ा बैंडेज कर दी, इतना तो की थी। भरी सभा में प्रभु को वस्त्र दिए। सुदामा ने क्या दिया था? दो मुठ चिड़वा तो दिया था ना। ठाकुर जी क्या किया उसको? सोने की महल बना दी, पत्नी को राज रानी बना दी। पहले मैंने एक कथा सुनाया था ना, एक समय कार्तिक की महीना थी, किसी भक्त ने भगवान की दरबार में दिया जलाने के लिए दिया था। अभी दिया धीरे धीरे बुझने जा रही थी, एक चूहा ने वो घी पीने का लोभ से पहुंचा। जब वो घी पी रहा था, पीते पीते उसको दांत में लग गई बत्ती, बत्ती लग गई तो चूहा पीछे हटा। पीछे हटते ही वो दिया जो बुझने जा रही थी, दिया हो गई तेज और उसका मुंह में थोड़ी सी आग लग गई, वो दो चार बार छलांग लगा दी। देखो ठाकुर जी क्या सोच रहे हैं, कार्तिक की महीना और ये दिया बुझने जा रही थी और ये चूहा ने क्या किया, दिया को उसने तेज कर दिया, मानो कार्तिक की महीना में उसने मेरे को दिया दिखाया है, दिया जला। फिर उसको दो मुंह में आग लग गई ना, दो चार बार उसने छलांग लगा दी, मतलब उसने मेरे को आरती दिखाते हुए मेरे सामने उसने नृत्य किया। इतने से कौन किया? चूहा ने, अनजान में ये काम हो गई। देखो इसका कितना पुण्य है, अगली जीवन में वो चूहा राजा के घर में वो राजकुमारी बन करके जन्म लेती है और भगवान की भक्ति करते रही। फिर भगवान उसको अपना गोलोक वृंदावन में, अपना पटरानी बना करके उसको गोलोक वृंदावन में स्थान दे दिया। अगर ठाकुर जी एक चूहे को इतना फल दे सकते हैं,
अगर कोई भगवान के नाम ले भक्ति करे फिर ठाकुर उसको क्या नहीं देते, क्या नहीं दे सकते हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान की जो भक्ति करते हो एकदम दृढ़ पूर्वक करो, कभी छोड़ना नहीं। ये दुनिया छूट जाए लेकिन भगवान की भक्ति जीवन में कभी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को बड़े सुंदर सुंदर उनने स्तुति की है। स्तुति करते करते फिर भगवान को चार बार उसने तीन बार परिक्रमा लगाई और ठाकुर जी को बोले, हे ठाकुर जी अगर पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन ठाकुर तेरे महिमा को नहीं कोई पार पा सकते हैं, तेरे महिमा को कोई पार नहीं पा सकते। फिर भगवान को प्रणाम करते हुए इंद्र ब्रह्मा जी वहां पर चले गए। ब्रह्मा जी बोले, देखो इंद्र तुम जाओ ये सुरभि गाभि को पास में जाओ, क्योंकि भगवान का एक नाम है जो गैया चराते हैं, गैया को वो माता मानते हैं। आप सुरभि गाभि की आनुगत्य से जाओ, ठाकुर जी तुम्हारी अपराध से मुक्त कर देंगे। फिर इंद्र जा करके ठाकुर जी के चरण में माफी मांगे, भगवान को स्नान कराया पंचामृत से, भगवान का एक नया नाम रखा, गोविंद नाम रखा। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय श्री श्री राधेश्याम। हाँ देखो, बोले जिस समय सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, उसी समय उनकी माँ का नाम थी उत्तरा। उनको एक प्रभु जी इधर से, इधर माता माता है, कहाँ से आ रहे, इधर से कहाँ से आ रहे, नहीं प्रभु जी यहाँ पर किसको आने मत दिया, कहाँ से लोग आ रहे, किधर से आ रहे, नहीं नहीं इधर इधर से कुछ खड़े करो, अब क्या कर रहे हो, कोई जैसे इधर से नहीं आनी चाहिए, जो आए पीछे से आए, पीछे से बैठे, जब कीर्तन हो तभी आकर के जो देना उसी समय दे, दे। किसी को इधर से आने नहीं देना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म के आपदा श्री राधा जा, तीनों लोक तरन तार सोते रे आधी। पल्ली पार कौन कौन जाएंगे, पल्ली पार इस पार नहीं उस पार, कौन कौन जाएंगे, पल्ली पार मतलब बोलो वृंदावन ठाकुर। अच्छा लगभग लोग जाएंगे, कोई कोई डर से हाथ नहीं उठा रहे, हमें नहीं जाना, तो आइए पल्ली पार कौन कौन जाएंगे, सब नाचते कूदते भाई, पल्ली पार ऐसे नहीं, थोड़ा उसके लिए कष्ट उठाना, तो आइए ये नाचना तोली बजाना ये सब भक्ति का अंग है। अभी मैंने सुना है ना, एक चूहा ने दो चार बार छलांग लगा दिया तो उसने राजकुमारी बन गई और ठाकुर जी की रानी बन गई। अगर प्रेम से नाचोगे तो क्या, फिर तो ठाकुर जी इसी जीवन में अपना धाम में ले जाएंगे। तो आइए सभी लोग नाचते बजते रहे, अरे जहां विराजे अलबेली सरकार।
बलिया ले चल परलेखा, बलिया ले चल परलेखा, नवरिया ले चल परलेखा, नवरिया परलेखा, सतैया ले चल परलेखा।
जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाए, जब ये कथा समाप्त हो गई, ये परीक्षित महाराज की जो माँ उत्तरा थी वो वहीं पर बैठी हुई थी, क्योंकि इनकी एक लौता संतान अभी ये मरने वाला, इसलिए मैया बड़ी दुखी हुई। इतने में सिर्फ उनकी जो माँ की नाम थी उत्तरा, उत्तरा ने अपना बेटा श्री परीक्षित महाराज से प्रश्न करती है, बोले बेटा ये सुखदेव गोस्वामी ये सात सात दिन तक कथा सुनाए, मैं स्त्री जाती हूँ, मेरे पल्ले में तो कुछ पड़ा ही ना, इसलिए मेरे लायक कुछ बात बता दे, कम से मेरे को समझ में आ जाए। जब उसने कुछ बता रहे थे
हरे कृष्णा। ठीक ठाक है मिश्रा जी, जरा एक वो पढ़ लीजिए, आओ बोल गोविंद जय जय गोपाल प्रश्न करती है, बोले बेटा ये सुखदेव गोस्वामी ये सात सात दिन तक तो क्या सुनाते रहे, मैं स्त्री जाती हूँ, मेरे पल्लों में कुछ पड़े हुए ना, मेरे लायक कुछ बात बता दे, कम से कम मेरे पल्ले में पड़े ये क्या बताना चाह रहे थे। अभी ध्यान देकर सुनो, मेरे तरफ में देखो, इधर देखो सब के सब, हरे कृष्णा। देखो अभी मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, जिस स्टोरी को सुनने पर ये सात दिन तक जो कथा सुने हो इसका पूरी फल मिल जाएगा। जैसे कोई आधे में आई, कोई लास्ट में आई हैं, कोई एक दिन आई, कोई दो दिन आई। अभी जो मैं कथा सुनाऊंगा, अगर इतनी सी बात अगर आप समझ जाओगे, सुन लोगे, ये सात दिन कथा सुनने का आपको फल मिल जाएगा। इसलिए अभी मन लगा करके एक मन से सुनो, ठीक है। तब श्री परीक्षित महाराज थोड़ी सी समय में ये भागवत का सार सुना रहे हैं। एक दिन श्री नारद जी, ये बड़े कौतुकी है, ये हमको अच्छी कोई चीज को शिक्षा देने के लिए एक दिन नारद जी बिना बजाते बजाते हैं, कहते श्री बिना बजाते बजाते वो चाह रहे हैं जगत में सबसे बड़े भक्त कौन है, ये दुनिया में सबको सामने में प्रकाश कर दो। पुण्य पहुंचे श्री प्रहलाद महाराज के पास में, बोले श्री प्रहलाद महाराज की, बोले प्रहलाद तेरे जैसे भक्त जगत में कोई है ही नहीं, क्योंकि ये प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त थे, केवल जब 5 साल उम्र में प्रभु का भजन उन्होंने शुरू किया है, इसलिए इनका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब क्या है, प्र मतलब होता है पूर्ण रूप में, लाद मतलब होता है आनंद, मतलब जो हर समय प्रभु के आनंद में डूबा रहता था। बोले क्यों आनंद में डूबा रहता था, कारण ही वो हर समय प्रभु का भजन करता था, भगवान की भक्ति करता था, इसलिए हर समय आनंद में डूबा रहता था। लेकिन उसको पिताजी का नाम था हिरण्यकशिपु, बोले खबरदार ये जो हरि है ना ये मेरे शत्रु है, इसका तू नाम नहीं ले सकते हो। प्रहलाद ने कहा मैं जब तक जिंदा रहूंगा उनका जरूर नाम लूंगा। लेकिन उनको 4 बेटों में ये सबसे बड़ा बेटा था, तब इनको पिताजी ने उनको गुरुजी को पास में भेज दिया, जिसका नाम था संधा और अमर। ये दोनों ने उसको कैसे ये राज्य चलाना पड़ेगा, कैसे दूसरों को दंड देना पड़ेगा, कैसे कूटनीति, कैसे 2 राज्य में झगड़ा लगा करके बीच में अपना लाभ ले लेना, मतलब ये धर्म अर्थ काम ये सारी चीज को उसको अच्छे तरह से सिखा दिया, कैसे राज गद्दी को संभालोगे। लेकिन उसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया, उसने हर समय सर तो हिलाया करता था। लेकिन उसको गुरुजी कौन, बोले नारद जी, बोले मेरे गुरुजी नारद ने जो ज्ञान दिया ये सही ज्ञान है, इसलिए उनको ज्ञान को उन्होंने स्वीकार नहीं की। जब उसने
संडा अमरकंद ने देखा ये अच्छे तरह से लिख पड़ गया। अभी इसको लेकर इसको पिताजी को पास में जाते हैं, पिताजी प्रश्न करेगा, अगर ये सही सही उत्तर दे दिया ना हमें बड़े सुंदर इनाम मिलेगी। अभी उसको पिताजी को पास में ले गए, अभी पिताजी उसको गोद में बैठा लिया, बोले बताओ तेरे गुरुजी ने तुमको क्या शिक्षा दिया है। बोले मेरे गुरुजी तो नारद जी, जब मैं माँ की पेट में था नारद जी मेरे मैया को बड़े सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताई। खैर उन्होंने श्री नारद जी ने क्या बताया था उन्होंने सुनाए, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्या सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्या तन्मन्ये भीतमृतम। पिताजी जगत में जितनी विद्याएं हैं जो सर्वश्रेष्ठ विद्या है भगवान को प्रेम करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान को स्मरण करना, भगवान का नाम लेना, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इतने में हिरण्यकश्यप को तो बड़ा क्रोध आया, बोले इसका बुद्धि किसने भ्रष्ट कर दिया, इसका बुद्धि किसने भ्रष्ट कर दिया। देखो ए बच्चों चुपचाप बैठा, इसलिए उसने देखा हमारे इस बच्चे को बुद्धि किसने भ्रष्ट किया। देखो पहले तो केवल एक हिरण्यकश्यप था, अभी घर घर में ये हिरण्यकश्यप आ गया, ये घर घर में हिरण्यकश्यप आ गया। अगर पत्नी कोई थोड़ा सत्संग में जाती है, भगवान की कथा सुनता है, बच्चे थोड़ी सी माला जब करते तिलक कंठी लगाते ना, बोले तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ दी, ये कोई उम्र है भजन करने का, ये अभी से क्या गले में कंठी माला तिलक तुमने लगा दी, अभी से ही क्या भजन कर रहे हो। लेकिन ये बच्चा अगर शराब पी रहा है ना, जुआ खेल रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, बोले वेरी गुड, मेरे बच्चा का एडवांस हो रहा है, जुआ खेल रहा है ना, शराब सिगरेट फूकता है, नाइट क्लब में जाता है, बढ़िया अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर बेटा थोड़ा कंठी माला तिलक प्रभु का भजन करना शुरू कर दे, बोले तेरे बुद्धि को किसने बिगाड़ दिया, तभी ये बुद्धि बिगड़ गया है। इसलिए ये सबके सब हिरण्यकश्यप, सबके सब ये सबके सब रावण और हिरण्यकश्यप धर रहे हैं। इतने में बोले खबरदार ये भजन भजन कुछ नहीं कर सकते हो। और उसने मारने के लिए उन्होंने प्रहलाद को कोशिश की, मारने के लिए कोशिश की, बोले एक काम करो उसको काल कोठरी में बंद कर दो, खाना पीना मत दिया करो, बस सुखते सुखते मर जाएगा। इतने में बैकुंठ में जब माँ लक्ष्मी नारायण को भोजन कराने के लिए गई, भगवान बोले लक्ष्मी मेरा भक्त भूखे में बैठा हुआ है, मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ, चलो हम प्रहलाद को भोजन करा के आते हैं। माँ लक्ष्मी जो छापान भोग और छत्री से व्यंजन बनाती है, लक्ष्मी नारायण आकर खुद खिला करके जाते हैं। कुछ दिन बाद में बोला अभी काल कोठरी को खोलो, लगता है ये तो सड़गल करके खत्म हो गया, लेकिन जब खोला है ना देखा प्रहलाद और भी मोटे ताजे बन कर निकला। बोले अरे इतने मोटे ताजे कैसे हो गए, जब किसी तरह से मरा ही नहीं, बाघ को सामने फेंक दिया, सर्पों को सामने फेंक दिया, पहाड़ का ऊपर से फेंक दिया, जब किसी तरह से मरा नहीं। हिरण्यकश्यप का एक बहनी का नाम थी होलिका, एक दिन उसका बहनी आई थी, देखा हिरण्यकश्यप बड़ा दुखी होकर के बैठा हुआ, बोले बहन इतने दुखी होकर क्यों बैठे हो, बोले देखो ये प्रहलाद मेरे शत्रु को भजन करता है और ये किसी तरह से मरता नहीं, बोले एक काम करो ब्रह्मा जी मेरे को वरदान दिए हैं, मेरे को ये अग्नि स्पर्श नहीं कर सकती है, ये आग जलाओ और ये आग को बीच में बैठा दो। जब उसने आग जलाया प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठा करके बड़ी जोर से चीख आई, बचाओ बचाओ। हिरण्यकश्यप देखा बस प्रहलाद खत्म, लेकिन जब आग बुझ गया ना, देखा उसकी जो बहनी होलिका थी वो तो जल करके राख हो गई और प्रहलाद बीच में बैठा जैसे कोई एयर कंडीशनर रूम में बैठा हुआ हो, और बैठ करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद।
उल्टा हो गया कैसे है? जब किसी तरह से उसने मार नहीं पाए, उनका जो दो गुरु थे ना, संडा और अमृत, इसका मतलब जानते हो? संडा मतलब होता है सार, और अमर का मतलब होता है बंधन। मतलब है जो गुरु शिष्यों को भगवान की भक्ति को छोड़ करके केवल पैसा कमाओ, केवल पैसा कमाओ, केवल पैसा कमाने की ये शिक्षा देते हैं, कहते वो गुरु पदवाचे नहीं तो सबके सब साढ़ और बंदर है। ये गुरु का मतलब क्या होता है? बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकार तस्य निरोधक। गु मतलब होता है अज्ञान और रू मतलब होता है दिव्य आलोक। जो शिष्य का हृदय से ये माया के अंधकार को हटा करके दिव्य आलोक को संचार कर दे, ये गुरु जी का काम है। केवल यही से नहीं, केवल कैसे पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा पैसा जिंदगी भर उसका के पैसा की मशीन बना देता है। और आप लोग जानते होंगे अभी एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर बन करके भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, लास्ट में डिप्रेशन में आकर के सुइसाइड कर रहे। क्यों? जीवन में तो कोई प्रभु की भक्ति भक्ति की कोई बात सिखाई नहीं, गीता भागवत तो पढ़ाई नहीं, लास्ट में जब नौकरी नहीं मिली बस सुइसाइड कर गया, तब इतना पढ़ाई लिखाई करके बस मर गए। इसलिए यहाँ पर श्री प्रहलाद महाराज हैं, इसलिए उनको गुरु जी संधा अमर को बोले, बोले महाराज कोई चिंता मत किया करो, अभी जो बड़ा जो शुक्राचार्य इनके जो पिताजी वो शुक्र का आचार्य है, तो वो गए हुए बाहर, जब वो आएंगे ना ये बच्चे को ठीक कर देगा। अभी छोटा बच्चा 5 साल का, वो समझाएगा तो सही हो जाएगा। अभी इसको स्कूल में भेज दिया, बोले और अच्छे तरह से पढ़ाओ। देखना स्कूल में पढ़ते पढ़ते बीच में खेल छुट्टी होता है, रिसेस होता है, बच्चे लोग खेलने के लिए भागना शुरू की। प्रहलाद ने कहा देखो बच्चों आज एक हम नया खेल खेलेंगे। बोले भैया कौन सा नया खेल खेलेंगे? बोले बैठ जाओ। चारों तरफ में बच्चे बैठ गए और बीच में प्रहलाद बैठ गया। बोले आज बैठ करके हम प्रभु की कीर्तन करेंगे, प्रभु की कीर्तन करेंगे, प्रभु की भजन की कथा सुनेंगे। जैसे साधारण लोग बोलते हैं ना, बच्चों ने कहा प्रहलाद अभी हमारी उम्र 5 साल की, तो अभी से कह रहे हो भजन करो। हमने सुना ये जो भजन है ना, जब बूढ़ा हो बूढ़ी हो जाते हैं, जब रिटायर्ड लाइफ में ये भजन करते हैं। अभी तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, शादी शुदा करेंगे, बच्चों को जन्म देंगे, बच्चों को लिखा पढ़ा करके उनको शादी शुदा दे करके जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा ना, जब किसी काम की नहीं रह जाएंगे, फिर एक दो माला कर लेंगे। तू अभी से क्या कह रहे हो भजन करना भजन करना? देखो ध्यान देकर के सुनो, ये बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं, बहुत अच्छी बात प्रहलाद कहता है। ये एक श्लोक है, बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवतानि, दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अधुर्वम अर्थदम। वो क्या कहते हैं? कहते भगवान की भक्ति कितने उम्र से करनी चाहिए? बोले 5 साल से। कितने उम्र से? 5 साल से। बच्चों ने बोले भैया 5 साल से क्यों करे, जब बड़े हो जाएंगे करेंगे। प्रहलाद कहता है तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ क्या? कोई बता सकता है इतने साल जिंदा रहेंगे? कोई बता सकता है? हमने जो श्वास ली है श्वास हम छोड़ सकते हैं, कोई गारंटी किसको पास नहीं। आप न्यूज पेपर पढ़ करके देखो कैसे कैसे लोग मर रहे हैं, कहीं आतंकवादी मार रहे हैं, कहीं हार्ट अटैक हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गई, कितने तरह तरह से लोग मर रहे हैं। अगर बीच में रामनाथ सत्य हो गया तो फिर बोले अगर इसी जीवन में भजन नहीं होगा फिर अगले जीवन में भजन करेंगे। देखो प्रहलाद क्या कहते हैं, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम। बोले बच्चों
ये मानव शरीर बारंबार नहीं मिलता है, ये 84 लाख जन्म के बाद में पेड़ पौधा लता पत्ता है कुत्ते सुअर ऐसे ऐसे करते करते 84 लाख जन्म के बाद में एक बार केवल ये मानव शरीर ठाकुर देते हैं, बारंबार ये मानव शरीर ठाकुर नहीं देते। तब प्रहलाद ने बताया, देखो हम बचपन से क्यों भक्ति करनी चाहिए, ये बुढ़ापा में क्यों भक्ति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, मैंने पहले भी बताया और एक बार सुन लो। जब मिट्टी कच्चा मिट्टी हो ना, आप उसमें जो कुछ बनाना चाहो बना दोगे। अब मिट्टी जब पक जाती है फिर उसमें कुछ बन सकता है? मिट्टी जब पक जाए फिर कुछ बनेगी? मिट्टी जब कच्चा हो तभी उसमें कुछ बन सकती है। दूसरा उदाहरण दिया, कागज जब कोरे कागज जब ऊपर में कुछ लिख सकते हो, लेकिन कागज में जब लिख जाते हैं उसको ऊपर दो बार थोड़ी लिखा जाता है, वो दोनों ही जाएगा। जब फूल खिला हुआ हो आप उसको ठाकुर जी के चरण में चढ़ा सकते हो, और फूल जब मुरझा जाए जब सड़ जाए फिर वो फूल ठाकुर के चरण में चढ़ता है? वो नहीं चढ़ती है। चौथा उदाहरण दिए, जब कोई छोटा पौधा हो एक जगह से उखाड़ करके दूसरे जगह में लगाओ वो जम जाएगी, लेकिन जब उसका जड़ ज्यादा नीचे चले जाए उखाड़ करके दूसरे जगह में लगाओ फिर वो जमेगी नहीं। इसलिए कहते प्रहलाद, बच्चों भगवान की भक्ति अगर बचपन में करोगे फिर तो ये भक्ति एकदम पक्की भक्ति बनेगी। जैसे कोई छोटा बच्चा है, आप उसको एक बार कोई बात सुनाओ झट क्याच कर लेगा। जो बड़े बूढ़े हो गए उनको बोलो कोई बात को रटो, याद रहेगा कोई बात? कोई बात अभी याद नहीं रहेगी, रट कर याद नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों को कोई बात बोलो वो झट वो बात को कैच कर लेते हैं, वो याद कर लेते हैं। और उन्होंने बहुत बढ़िया एक उदाहरण दे करके बताए, बोले तुम कहते हो ना बुढ़ापा में भजन करोगे, बोले हाँ देखो आप भी समझ लो। कहते मानो एक व्यक्ति 100 साल जिंदा रहेगा, कितने साल जिंदा रहेगा? 100 साल, आधा दिन और आधा रात, आधा दिन आधा रात। रात को सो सो करके 50 साल गया, बाकी रह गया 50 साल। फिर जो बचपना होता है वो 10 साल तक तो बच्चे खेल धूल करते हुए अपना समय को बिता देते बचपना में। 50 से 10 कितना हो गया? 50 10 60। अभी बाकी कितना रह गया? 40। अभी बच्चों को लिखाई पढ़ाई करने के लिए कितना साल चाहिए बताओ? कितना साल चाहिए? कहते लिखाई पढ़ाई करने के लिए कम से कम 20-25 साल चाहिए, तभी कोई बच्चा होनहार बनता है। अगर 25 साल तक पढ़ाई लिखाई में गया और 50 साल सो सो कर गया, 50 और 25 कितना हो गया? 25 और 50 कितना हो गया? 75 हो गया। और कितना साल बाकी रह गया? 25 साल बाकी रह गया। आप देखना 80 साल से लेकर के 100 साल तक जो उम्र है वो किसी काम का नहीं रहता है। कमर टेढ़ी हो गई, कान में देखना सुनना कान में कम हो गया, आंख में दिखती नहीं, घुटन में दर्द है, एक बार बैठे तो उठ नहीं सकते हो। यहाँ पर 80 साल की कोई है? यहाँ पर कोई 80 साल के कोई है? हाथ उठा तो 80 साल के कौन है? कोई है यहाँ पर 80 साल के व्यक्ति? हाँ, एक माता जी बोले हम 80 साल के, केवल एक व्यक्ति 80। और कोई है? कौन है 80 साल के? कौन है 80 साल के? कोई नहीं। हाँ, एक माता जी, एक और दो माता जी जो 80 साल के हुए हैं। कहते ये 80 साल को बाद से लेकर के 100 साल तक जो जीवन है केवल अपना शरीर को ये चिंता करते हैं। आज एक बीमारी, कल दूसरे बीमारी, तीसरे दिन चौथे बीमारी। अभी तो 80 साल से पहले राम नाम सत्य हो जाते हैं, 80 साल तक अभी जिंदा रहते नहीं। तब प्रहलाद ने बताया, ये बताओ
तुमने तुम्हारी पूरा 100 साल के मैंने हिसाब दी, तुम कहते हो बूढ़े बन करके भजन करोगे, बताओ तुम्हारे पास हम समय कहाँ भजन करने के। इसलिए बच्चों जितने जल्दी से जल्दी हो प्रभु का भजन करो, कहते ना कल कर सो आज करो और आज कर सो अब, भले पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी कब। इसलिए जो भगवान की जो भक्ति है जितने जल्दी हो प्रभु की भक्ति हमें शुरू कर देनी चाहिए, दूसरे काम के लिए थोड़ा लेट करो। लेकिन जो प्रभु की जो भक्ति है ना, प्रभु की भक्ति के लिए कोई देर नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने रावण का नाम सुने हो, देखो ध्यान दे कृष्ण माता क्या पेट। इसलिए जब रावण को भगवान राम ने मारे, अभी रावण अभी लेट हुआ है, अभी मरने वाला, भगवान राम ने लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण ये जो रावण है ना ये एक बहुत बड़े ज्ञानी है, जा उससे ज्ञान को लेकर के आओ। इतने में लक्ष्मण गए बोले मेरे को भैया राम ने आपको पास में भेजे कुछ ज्ञान की बात लेने के लिए, मेरे को कुछ ज्ञान की बात बताओ। देखो ये रावण क्या कहता है, बोले लक्ष्मण मेरे से 2 भूल हो गई, लेकिन तुम कभी ये 2 भूल को करना नहीं। बोले 2 भूल क्या हो गया, बोले पहला भूल ये हुआ मैं सोच रहा था कि जो नमकीन जो पानी है ना समुद्र का पानी, ये 3 भाग पानी पृथ्वी में, 1 भाग केवल स्थल है, समुद्र तो 3 भाग लेकिन वो किसकी प्यास नहीं बुझा सकता है क्योंकि वो नमकीन पानी है। लेकिन रावण सोच रहा था ये पूरा समुद्र पानी को मैं मीठा बना दूं, कहते मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं था, मैं मीठा बना सकता था, सोचा अरे चुटकी बजाते हुए कर दूंगा चिंता की। दूसरी इच्छा थी स्वर्ग में, स्वर्गों को जाने के लिए सीढ़ी बना दूं, सारा दुनिया चाहते ही स्वर्ग जाऊं स्वर्ग जाऊं, अगर मैं सीढ़ी बना देता ना सबके सब चढ़ करके स्वर्ग चले जाते, ये भी मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं था। मैंने सोचा अरे चुटकी बजाते हो जाएगा, इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, लेकिन अगर ये 2 काम मेरे से हो जाता है ना मैं तो अपने आप स्वर्ग पहुंच जाता। क्यों, अगर समुद्र का पानी मीठा बना देता जो पीता, बोले भैया ये पानी को मीठा बनाया किसने, बोले रावण ने, बोले स्वर्ग में अपने आप स्वर्ग चले जाता। लेकिन ये 2 काम मेरी गलती हो गई। देख लक्ष्मण अगर कोई अच्छा काम होना कभी भी इसी के लिए लेट मत करना, कभी जल्दी से जल्दी करना। तद जीवन में सबसे बढ़िया काम क्या है, बोले भगवान की भक्ति, इससे बढ़िया काम दुनिया में कुछ नहीं। क्योंकि खाना पीना सोना बच्चों को जन्म देना ये तो दूसरे दूसरे जीवन में गधे कुत्ते सुअर ये सबके सब ये काम कर रहे हैं, ये सारे को सारे यही काम कर रहे हैं। लेकिन भगवान की जो भजन है ये मानव जन्म के सिवाय और किसी जीवन में प्रभु का हम भजन नहीं कर सकते हैं, इसी जीवन में ही भक्ति करके हम भगवान को पास में जा सकते हैं। इसलिए कभी भी प्रभु की भजन के लिए, इसलिए बोले कल कर सो आज करो और आज कर सो अब। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे आज कर सो कल करो, कल कर सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करते हो पड़ा रहा है बरसों। हम इसको उल्टा में लगा दिए, अरे इतने जल्दी जल्दी भजन करने का क्या जरूरत, हम क्या अभी मर रहे हैं कोई कर लेंगे कभी नहीं। कभी जितने प्रहलाद कहता है बच्चों जितने जल्दी से जल्दी हो प्रभु की भजन में लग पड़ो, दूसरे काम को पीछे रख लो प्रभु की भजन में लग जाओ। एक बार हाथ उठाओ बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 फोटो ले रहे हैं ना, ये फोटो सारा दुनिया में जा रहे हैं, जोर जोर से बोलो, सारा दुनिया के लोग दिख रहे हैं, विदेश में भी लोग दिख रहे हैं, घुमा दो दोस्तों, हाँ जोर जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोल सकता हूँ हरे 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 राम हरे राम।
बसे वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। प्रहलाद ने बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बात बताई, वो एक प्रहलाद पे सबके सब प्रहलाद हो गए। प्रहलाद ने कहा देखो कोई बढ़िया चीज हो ना अकेले नहीं खानी चाहिए, सबको खिला कर खानी चाहिए। चलो हम गली गलियों में चलते हैं और मजरा ढोल पी लेकर कीर्तन करेंगे। हमारे महेश प्रभु कीर्तन करते हैं ना, ये बड़े दयालु हैं, क्योंकि अकेले करने से अकेला लाभ होता है। अगर सभी को कार्य में भगवान का नाम पड़े ना, सभी का कल्याण होता है। और एक बात समझो, ये प्रभु कीर्तन कब कब करते हैं, कब कब यहाँ पर कीर्तन करते हैं? सवेरे मॉर्निंग में कौन सा दिन? संडे को। हाँ, हर संडे को कितने बजे करते हो? 7 बजे 7:30। हाँ, 7:30 साढ़े 7 बजे। देखो प्रभु जी भक्तों को लेकर यहाँ नगर कीर्तन करते हैं। जानते हो क्यों करते हैं? ये मैं भी एक गांव का बच्चा हूँ, ध्यान देकर सुना। जब हमारी गांव में बहुत ज्यादा कोई दुख कष्ट होता था, घर में आग लग जाती, कहीं घर में अमंगल है, बीमारी में पड़ रहे हैं, हमारे गांव के लोग क्या करते थे, ये मृदंग और मजरा ले लेते थे और लेकर के गांव गांव में कीर्तन करते थे। जब कीर्तन करते थे, भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगलारी, अपने आप गांव का जितने दुख कष्ट अपने आप खत्म हो जाते थे अपने आप। इसलिए महेश प्रभु जो कीर्तन करते हैं, आप लोग भी संडे को कोशिश करना, जरूर आओ। इसलिए महाप्रभु का एक भक्त थे जिनका नाम था हरदास ठाकुर, वो दिन में 3-3 लाख हरि नाम करते थे। 1 लाख हरि नाम तो जोर जोर से करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। किसने उनसे पूछा, बोले भैया तू ये चिल्ला चिल्ला करके हरे कृष्णा क्यों करते हो? अरे हमने सुना भजन मन मन में करते हैं, क्या तू दूसरों को सुनाते हो? हम इतना बड़ा भगत हो गए? देखो वो संत क्या कहता है, बोले एक व्यक्ति कमा करके अकेला खाता है और एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार खिलाता है। उसने पूछा बताओ ये दोनों में बड़े कौन है? आप लोग को बताओ दोनों में बड़ा कौन होगा? जो अकेला खाता है वो बड़ा ना, जो परिवार को खिलाता है बड़ा, जो परिवार को खिलाता है। कहते जो व्यक्ति अकेला अकेला प्रभु का भजन नाम करता है वो अपना कल्याण सोचता है, लेकिन जो जोर जोर से प्रभु का नाम लेता है, जैसे लता पता वृक्ष जानवर जीव भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये भगवान का नाम जब उनकी कान में पड़े उनका भी उद्धार होता है और ये वायुमंडल पवित्र हो जाती है, वायुमंडल पवित्र हो जाती है। इसलिए उन्होंने एक श्लोक को पुराण से बताए, बोले जो व्यक्ति मन मन में भजन करते हैं उनको जो पुण्य मिलेगा, जो व्यक्ति जोर जोर से हरि नाम करेगा उसको 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा। कितना गुण? 100 गुण। इतनी महिमा है भगवान के नाम को जोर जोर करने का। इसलिए आप लोग भी ये संडे को जब कीर्तन करते हैं आप लोग भी आकर के इनके साथ मिलना, ठीक है ना? जब इतने सारे लोग कीर्तन करते हुए जाएंगे तो कितना बढ़िया लगेगा। और हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे ये कथा इसी साल हुई ना, जैसे ये कथा हम लोग ने इसी साल की है, हम कोशिश करेंगे जैसे ये कथा हर साल हो। कौन चाहता है ये कथा हर साल हो? चाहते हो? हाँ, अगर अगले साल अगर ये कथा होगी ना, हम यहाँ पर रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालेंगे। अभी सारे आपका गांव के साथ जोड़ो भी ब्रसी वृंदावन बिहारी। अभी ये सब रोड सही कर रहे हैं, बोल रहे हैं 1 साल के अंदर में ये सारे रोड सही हो जाएगी। अगर हो जाएगी बढ़िया सुंदर भगवान की रथ बना करके गलियों में कीर्तन करके करते, और अगर इतने सारे लोग एक साथ में चलेंगे ना, लगेगा जैसे वृंदावन ही घोड़ा में श्री वृंदावन धाम आ गया है, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए प्रहलाद ने, उसने एक प्रहलाद था और जितने क्लास के बच्चे थे ना सब हो गए प्रहलाद, और गली गलियों में जा जा कर कीर्तन कर रहे थे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल।
देखा भैया मेरे देश में ये हरि का नाम कौन ले रहा है। एक सिपाही को भेजा, वो सिपाही जब प्रहलाद को मना करने के लिए गया उसको हाथ शरीर में लगा प्रहलाद की, उसको शरीर में तो कृष्ण भक्ति रस प्रवाह हो रहा था, उसकी शरीर स्पर्श होते ही इसकी अंदर में भी प्रभु की भक्ति आ गई। वो मना क्या करेगा, बोले भैया प्रभु का नाम तो बड़ा मिठो है, थोड़ा प्रभु का नाम का रस पी लेता हूँ। वो मना क्या करेगा ना, वो भी उसको साथ में गोविंद जय जय गोपाल जय जय करना शुरू कर दी। हिरण्यकश्यप ने देखा एक सिपाही गया तो वापस नहीं आया, और एक को भेजा तुम जा करके देखो। उसने देखा भैया जब प्रहलाद को मना करने के लिए गई इसकी शरीर में भी भक्ति की रस संचार हो गई, अभी जो जाए ना कोई वापस नहीं आ रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने देखा भैया क्या बात है, जो जाए वो गए कोई वापस नहीं आ रहे हैं। इतने में हिरण्यकश्यप स्वयं आ गया, देखा एक प्रहलाद था, वहां पर सारे जितने बच्चे थे क्लास के सबके सब प्रहलाद हो, सारे को सारे प्रहलाद हो करके सबके सब कीर्तन कर रहे हैं। बोले भैया ये बीमारी तो बड़ी तेजी बढ़ रही है, देखना ये खोड़ा गांव में पहले एक दो व्यक्ति तिलक लगाते थे, अभी तो कितने सारे व्यक्ति तिलक गला में कंठी माला लेकर के हरे कृष्ण कर रहे हैं। बोले भैया ये बीमारी तो बड़ी जल्दी फैल रही है, पहले ये बीमारी को खत्म करनी चाहिए। इतने में हिरण्यकश्यप ने आकर के प्रहलाद को बड़ी जोर से शासन किया, बोले हरि कीर्तन बंद करो, मेरे देश में मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो। प्रहलाद ये बताओ किसकी बल में तू बलियान होकर के इतने साहस आ गया। बोले पिताजी जिसकी बल में आपका शरीर में जिसका बल है ना, उसी बल से केवल मैं आप नहीं ये विश्व ब्रह्मांड भी उसकी बल में बलियान है। अगर वो शरीर से निकल जाए ना, जो इतना तेज से बात कर रहे हो बस फिर राम नाम सत्य हो जाएगी, सारा शरीर है वही पर डेड बॉडी पड़ जाएगा, इसलिए उसी की बल में ही सारा दुनिया बलियान है। बोले बताओ तेरे हरि कहाँ है। बोले ये तो बताओ मेरे हरि है नहीं कहाँ बताओ। बोले ये खंभे में क्या है। बोले मेरे को तो दिख रहा है प्रभु बैठे हुए, सचमुच से भगवान वो खंभे में प्रकट हो गए, मुस्कुरा रहे थे। बोले पहले तेरे प्रभु को दिखाता हूँ बाद में तेरे को दिखाऊंगा। हिरण्यकश्यप उठाया मुष्टि का घात, एक मुष्टि का घात प्रहार की और खंभा फट गया, साक्षात भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय, जय श्री राम। इतने में हिरण्यकश्यप भी साधारण नहीं था, अभी दोनों में घमासान लड़ाई हुई। जब ठीक शाम का समय हो गया ना, जैसे एक बिल्ली चूहे को पकड़ ले ऐसे ही भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपना गोद में बैठा दिया और देखते देखते उन्होंने उसको छाती को फाड़ दी। इतने में इतने भयंकर स्वरूप था, ब्रह्मा भी आए शंकर भी आए लक्ष्मी भी आए, लेकिन प्रभु को कोई नहीं मना सके। लेकिन जब प्रहलाद आए उनका क्रोध में पानी पानी क्रोध हो गया, उन्होंने प्रहलाद को गोद में बैठाए। बोले प्रहलाद मेरे को आने में बड़ा कष्ट दुख समय लगा, मेरे अपराध को माफ कर दो। बोले प्रहलाद बताओ तेरे को क्या चाहिए। बोले देखो पिता प्रभु जी मेरे पिताजी बड़े दुष्ट थे, आपको आपका भक्तों को उन्होंने विध्वस्त किया, मेरे पिताजी को मुक्ति कर दो, मेरे पिताजी का अपना चरण में स्थान दे दो। बोले प्रहलाद तू तेरे बात क्यों करते हो, तेरी 21 पीढ़ी तेरी उधार हो गई, जो पूर्वज लोग पहले गए वो सबके सब स्वर्ग में नाच रहे हैं, हमारे अहो भाग्य है हमारा वंश में देखो एक बेटा प्रभु की भक्ति किया तो हमारी उधार हो जाएगी। जिस माता पिता ने वो बच्चों को जन्म देते हैं उनका भी जीवन धन्य हो जाते हैं, जिस पृथ्वी को ऊपर वो बच्चा जन्म ग्रहण करता है वो पृथ्वी भी धन्य मानती, अहो भाग्य मेरे वंश में मेरे कोख में इतने सुंदर एक भक्त हुआ है।
इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं जितने सो माताओं को शिक्षा देती हैं, जितने पिताओं को अपना बच्चों को भक्त बनाओ। क्या करो? अपना बच्चों को, अगर बच्चा अगर बेटा अगर भक्ति नहीं करेगा, अगर बेटा शराब पिए, जुआ खेलता है, बीड़ी फूंकता है, उसका पाप भी ये पिता माता को लेना पड़ता है। अगर बेटा अगर प्रभु का भजन करेगा, उसका भी पुण्य पिता माता लेगा। अगर बच्चा अगर गलत रास्ता पर चले गए तो इसका पाप भी ये पिता माता को लेना पड़ता। मैंने पहले बताया था, पहला गुरु पिता माता। पहला गुरु कौन है? पहला गुरु कौन है? पिता माता पहला गुरु है। ये जो पिता माता है ना, ये जीवंत गीता भागवत रामायण, ये पिता माता है। ये पिता माता ही सब कुछ पिता माता। अगर पिता माता बचपन से बच्चों को भक्ति की शिक्षा दे, बेटा तू एक माला करो, क्या करोगे? हाँ ध्यान देकर सुनो, हर बच्चों को बोलना बेटा एक प्रभु का माला करके तू खाना खा। घर में नियम रखो, अगर बेटा एक माला नहीं करेगा तो उसको खाना नहीं देंगे। जब उसको स्मार्टफोन तुम दे सकते हो, उल्टा पुल्टा फोन, सिनेमा देखने के लिए पैसा दे सकते हो उसको, उसको एक माला नहीं करवा सकते हो? उसका नहीं बोल सकते हो तो 10 मिनट बैठ कर थोड़ा गीता पढ़ ले, नहीं करा सकते हो? सारा दुनिया जब उल्टा पुल्टा चीज करवा सकते हो, इतना तो कर कम से कम। बच्चे को तो बोलो बेटा की माला करके जा, तू 5 मिनट तो प्रभु का भजन कर, ठीक है ना? वही माता माता है। अगर बच्चों को प्रभु की भजन में लगाया, नहीं तो माता माता नहीं, शास्त्र मना कर दिया, वो पिता पिता नहीं। क्या कुत्ते सुअर बच्चे जन्म नहीं देते हैं? बता, बच्चे क्या जन्म नहीं देते हैं? 10-10, 20-20 एक बच्चे जन्म देते हैं और एक महीना में छोड़ देते हैं पाल करके। अगर तुमने 2-4 बच्चे जन्म दिया था, कौन सा बड़ी भारी काम कर लिया? तब भी बच्चा देना सार्थकता है अगर बच्चों को प्रभु की भजन में लगा पाए। नहीं तो माता सुमित्रा कहती बांझ रहो, बच्चे जन्म मत दो। क्यों बच्चे जन्म दोगे? अगर भक्ति करा पाओगे तो बच्चे को जन्म दो। इसलिए तभी बच्चा भजन करेगा जब हम स्वयं भजन करें, स्वयं माला जब करें, तभी बच्चे को बोल सकते हो बच्चा एक माला तू जब, ठीक है ना? इसलिए कुछ माताएं तो आज ही आई थी, माता जी घर में माला लेकर गए हैं, सबके सब माला लेकर गए हैं। अगर जिसकी इच्छा होगी ना, आज कथा की विश्राम दिन है, अभी कथा के बाद में अगर जिसकी इच्छा हुई कि हम भी माला जप करेंगे, कथा के बाद में यहाँ आना और एक एक माला लेकर के जाना, ठीक है? ठीक है ना? जब कथा विश्राम हो जाएगी, माला लेकर के जाना एक एक, और माला को स्वयं सवेरे माला जप करना, 5-10 मिनट लगेगी। देखो ध्यान देकर सुनो, हमारे गुरु जी कहते थे हम भगवान की माला क्यों जप करें, भगवान की भक्ति क्यों कर। ध्यान देकर सुनो, जैसे घर में तुम्हारी लाइट जलती है, ध्यान चलते हैं, एसी चलाते हो, कूलर चलाते हो, उसका बिल महीना महीना में भरते कि नहीं बताओ? महीना भरते कि नहीं? महीना अगर 4-5 महीना तुमने बिल भरा नहीं, बताओ क्या होगा? वो बिजली काट कर चली जाएगी ना। लेकिन दिन में जो इतना बड़ा लाइट दिया तुम्हें, जिसने ये हवा दे रहा है, जिसने ये जगत बनाया, जिसने तुमको ये दुनिया दी, जिसने तुमने ये इंसान जीवन दिया, पर उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? उसके लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं? हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो, ये संतों का कहना है। बोले कोई एक करोड़पति व्यक्ति थी, उसकी हार्ट अटैक हो गया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती की। ध्यान देकर सुनो सबके सब, उसको हॉस्पिटल में भर्ती की। हॉस्पिटल में भर्ती की तो उसका जो बिल 4 लाख रुपया हो गया। अभी ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने वो बिल वो व्यक्ति को हाथ में पकड़वा दिया, देखा उसमें 4 लाख रुपया बिल है। वो व्यक्ति रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा भैया तू क्यों रो रहे हो, तेरे पास में पैसा की कमी नहीं, अच्छे तरह से ये ऑपरेशन होगी, खुश हो जाओ, तू रो रहे है क्यों? ठीक है 4 लाख रुपया ज्यादा हो गया ना, 1 लाख रुपया कम कर देता हूँ, 3 लाख रुपया दे देना। वो और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बोले फिर क्यों रो रहे हो, 1 लाख रुपया कम कर दिया। देखो वो क्या कहता है, कहते मेरी उम्र है 60 साल की, इतनी सी बात समझ करके जाओ, मेरी उम्र है 60 साल की, लेकिन जिसने जन्म से लेकर के अभी तक जिसने ये हृदय को हार्ट को चला रहा था, उसने तो 1 रुपया हमें बिल नहीं भेजा, लेकिन तुमने 1 घंटा ऑपरेशन की तो कितना रुपया बिल बना दिया?
कितना बना दिया? 4 लाख बना दिया। अगर उसने अगर ये बिल भेज दिया ना, फिर तो मैं कंगाल बन जाऊंगा, कंगाल बन जाओगे। इसी जगत में अगर कोई 100 रुपया तुमने दे देना, जिंदगी भर उसको याद करके 100 रुपया दिया था। लेकिन जिसने हमें ये जीवन दिया, दुनिया दिया, हमें सब कुछ दिया, इसलिए श्री सूरदास कहते हैं, जिनी तनु दही ताही बिसर आई, कैसे नमक हराम। बोले तू एक नमक हराम है, जिसने तुम्हें ये मानव शरीर दिया, ये संसार दिया, उसी के लिए कुछ नहीं। दुनिया के लिए सारे काम करते हो, जो कुछ कुछ भी देने वाले नहीं दुनिया। कहते ना जगत का लोग बोलते तुम कैसे हो, बोले कब तक, बोले जब तक जेब में पैसे हो। जब तक जेब में पैसे हो, जो दुनियादारी दिख रहे ना सब बेटा बेटी दुनियादारी, तब तक बोलेंगे कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसे हो। पैसा गन तुम कौन हो, तुम कौन हो, इसी के लिए तो मर मिट रहे हैं। लेकिन तुम्हें सर्वस्व जो दिया उसके लिए कुछ नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठकर क्या करोगे, उसके लिए कम से कम थोड़ी समय दो, सारे काम को पीछे करके उनके लिए थोड़ी समय दो। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, और एक दो दो माला तो जरूर करनी चाहिए। घर में नियम बनाओ, जब तक बेटा बेटी तुम्हारी एक माला नहीं करेंगे खाना खाने नहीं देंगे। बोले बेटा स्कूल जाओगे पहले तुम हरिनाम करो। देखो मैं सारा दुनिया में जाता हूँ, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, हमारे जितने गुरु जी के शिष्य है ना सब जगह में क्लास में फर्स्ट आते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं ददामि बुद्धि जोगम तम, ये बुद्धि देने वाले कौन, बोले ठाकुर देने वाले। आप देखना बच्चा अगर एक माला करेगा ना क्लास में फर्स्ट आएगा, क्लास में फर्स्ट आएगा वो, क्यों, भगवान उसको बुद्धि देंगे। हाँ? फिर वो पिता माता की सेवा भी करेगा, आदर करेगा, ठीक है। इसलिए बच्चियों को बोलो एक एक माला करो, लेकिन खुद पहले एक माला करो, पहले खुद करो, फिर बच्चे को भी बोल सकते हो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। और जीत प्रभु जी, जीत इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जीत महाराज जी है कहाँ। हाँ देखो हम लोगों ने ये कथा को 7 दिन तक सुने हैं, अभी हम कथा को विश्राम देने जा रहे हैं। लेकिन ये कुछ जो 7 दिन तक सुने हो, भागवत से कुछ चीज लो और कुछ भागवत में दो। बोले क्या देंगे और क्या लेंगे, बोले सारे गंदी चीज को दे करके जाओ। क्या करो, सारे गंदी चीज को दे करके जाओ। बोले गंदी चीज क्या है, बोले 4 ही गंदी चीजें जिसको श्री परीक्षित महाराज कली को स्थान दिया। पहला नंबर जुआ मत खेला करो, पहले मैंने बताया ना स्वयं युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो ये जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हुई, राज्य गया, भाई गए, द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा, 13 साल तक जंगल में बिताए। खबरदार कभी ये जुआ की नाम मत लो। दूसरे नंबर है पानम, किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटका फुटका ये चीज को नहीं लेनी चाहिए। यहाँ तक भी हमें चाय भी नहीं पीनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, चाय भी मैं पहले बताया था ना, ये चाय में एक निकोटिन डालते, जहर है, हाँ ये पॉइजन है, चाय अच्छी चीज नहीं है। ये विदेशी लोगों ने हमें गुलाम बनाने के लिए चाय पत्ता, मैंने पहले बताया ना 1 रुपया 25 पैसा जो एक कप चाय पिएगा वो तुमको मिलेगा। कुछ दिन बाद में बोले 1 रुपया मिलेगा, बाद में बोले 50 पैसा मिलेगा, बाद में बोले 25 पैसा, बोले नहीं अभी बिना पैसा में पियो, क्योंकि चाय पी पी करके आदत बन गया। उसमें नस्ली वस्तु जैसे कोई शराब पीता है, शराब पीने का समय आए नहीं पिएगा तो उसको घबराहट हाथ होती है। आप देखना जो लोग चाय पीते हो, अगर चाय अगर मत पियो क्या होता है, सर दर्द करना शुरू हो जाता है, क्यों, वो चाय में जहर है, पैजन है। बाद में बोले 25 पैसा देना पड़ेगा, आदत बन गया, बोले पहले 50 पैसा दो, फिर 1 रुपया दो, फिर 2 रुपया दो, फिर 5 रुपया दो, अभी कितना रुपया, बोले 10 रुपया दो। बेकार का 10 रुपया देकर इतने थोड़ी सी चाय के लिए कुछ नहीं। अरे 10 रुपये का दूध पियो ना, दही पियो ना, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, जिसमें हेल्थ होगी, शरीर बनेगी। चाय से शरीर खराब होता है क्योंकि उसमें जहर निकोटिन है।
कोशिश करना रामदेव बाबा का, जो हर्बल टी, गोकुल टी, ग्रीन टी उसको पिया करो, जो हेल्थ के लिए अच्छा, ठीक है ना। इसलिए कोई नस्ली वस्तु मत लो। और जो तीसरा चीज है, आप वैध रूप में स्त्री संग नहीं करनी चाहिए। मतलब है संसार करो, पति पत्नी मिल करके संसार करो, बगैर शादी के। जो मिलना है पुरुष स्त्रियों में, स्त्री पुरुष को साथ में, वहां पर कली का निवास है। जो चौथा स्थान है जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस मछली अंडा नहीं खानी चाहिए। और मैंने बताया था ये प्याज लहसुन भी अच्छी चीज नहीं, प्याज लहसुन भी हमें त्याग देनी चाहिए। देखो इसकी एक कथा सुना देता हूँ, पहले तो एक कथा सुनाया था और एक कथा सुना देता हूँ। ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हैं, ठाकुर को सेवा में क्यों नहीं लगता है, आप लोग नवरात्रि में ये 9 दिन का क्यों नहीं खाते हो, इसका रहस्य सुनो। पहले ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते थे। कोई गैया अगर बूढ़ी हो जाती थी, वो यज्ञ करके वो गैया को बलिदान देते थे, और इतने मंत्र शक्ति होती थी, मंत्र से 2 बार पर उसको जिंदा कर देते थे। कोई गैया बूढ़ी हो गई, यज्ञ किया, जितने लोग उनका हाथ में मांस दे दिया, बोले हवन कुंड में डालना। लेकिन एक व्यक्ति मांस को देख करके खाने की इच्छा हो गई, बोले अभी उसको छुपा देता हूँ, फिर बाद में मेरे खाऊंगा। राख में छुपा दी, सबके सब कुंड में आहुति डाले, ऋषि ने मंत्र की, वो बूढ़ी गैया एकदम जवानी बन करके प्रकट हुई। लेकिन जिस अंग का मांस को उसने छुपाया था, वो स्थान भरा नहीं। ऋषि ध्यान लगाया, बल ये स्थान क्यों नहीं भरा, देखा किसी ने ये मांस खाने के लिए राख में छुपा करके रखा, फिर उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले जहां पर ये मांस को छुपाया, मांस जैसे लाल लाल रंग के, वहां पर प्याज की पौधा होगी। जहां पर ये हड्डी छुपा दिया, वहां पर लहसुन की पौधा होगी। जहां पर खून की बूंद गिर पड़ा, वहां पर मसूर दाल होगी। इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, आपका एक बार 2 पीढ़ी पहले अपना घर में देखना, ये 3 चीज कोई घर में नहीं लाते थे। आप देख लेना तुम्हारी घर में, देखो कोई भी हिंदू समाज ये नहीं खाता था, क्योंकि हर हिंदू घर में पहले गोपाल जी होते थे, भगवान राम लक्ष्मण और सीता होते थे, घर में लक्ष्मी नारायण ठाकुर होते थे। हर पिता माता पहले घर में ठाकुर जी को भोग लगाते थे घर में। ये सब चीज तो जो छोटे जाति के लोग होते थे, चंडाल जैसे, वही लोग खाते थे। कोई हिंदू ये चीज नहीं खाया करता था, कोई हिंदू नहीं खाता था। क्यों? हर घर में पहले ठाकुर जी को भोग लगता था। आप स्वयं देख लो, तुम्हारे पिताजी को देख लो, तुम्हारी मैया को देख लो। लेकिन ये घोर कलयुग आ गई, इसलिए सब लोग खाने लग गए। इसलिए कोशिश करना ये 3 चीजों को त्याग दे करके शुद्ध रूप में बनाओ, भगवान की भोग लगाओ, बच्चों को खिलाओ, पति को खिलाओ। पहले मैं बताया था ना, जिसको घर में बहुत ज्यादा दुख कष्ट है, किसी तरह से दुख कष्ट जाए नहीं रहे, केवल आप 7 दिन ये काम करके देख लो, अच्छे तरह से भोग लगाओ, ठाकुर जी को, गोपाल जी को, तुलसी पता से, बच्चों को, पति को खिलाओ, जो कष्ट तुम किसी तरह से दूर नहीं कर सकते हो। ये गीता का श्लोक है, कृष्ण कहते हैं जरूर उसके घर में शांति सुख आएगा। बोले क्यों आएगा, ये चीज को समझो। हर चीज हम पैसा से खरीदी करते हैं, पैसा ये लक्ष्मी है। पैसा कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी किसी की? बोले नारायण की। लक्ष्मी नारायण की। अगर ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में नहीं लगेगी, भले ही तुम्हारी घर में जितने पैसा आ जाए, वो लक्ष्मी कभी तुम्हें घर में शांति सुख में रहने नहीं देगी। बोले मैं नारायण की, तुम मेरे को भोग कर रहे हो, मेरे प्रभु को सेवा में नहीं लगाते हो। पैसा से खरीदी करते हैं, अगर वो रोटी सब्जी प्रभु की सेवा में लग गया, मतलब क्या? लक्ष्मी नारायण की सेवा में लग गया, वो घर में सुख शांति होगा ही। ये 100% भले ही करोड़पतिया हो जाए, लेकिन प्रभु की सेवा में नहीं लगा रहे हो, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा रहे हो, वो लक्ष्मी भाई भाई में लड़ाई लगा देगी, बहू बहू में लड़ाई लगा देगी, केस लगा देगी, दुनियादारी की इतनी फंसा देगी तुमको, दुखी 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 जिंदगी में रहोगे। ये शास्त्र कहता है, कृष्ण स्वयं कहते हैं। इसलिए क्या करना है, बगैर प्याज लहसुन के खाना बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाओ।